नमस्कार दोस्तों, जय गो माता, वंदे मातरम, ज्योति में गोमर सेवा संस्थान से मैं डॉक्टर निशा भारद्वाज। आज हम आपसे बात करेंगे कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए जो ओव्यूलेशन का जो समय होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है, उस समय रिलेशन मेंटेन करने से प्रेगनेंसी की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो अब जो ओव्यूलेशन है, ये कैसे पता करें कि एक महिला जो है वो ओव्यूलेशन के समय में है या नहीं है। हालांकि मार्केट में ओव्यूलेशन के किट्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, पर कुछ महंगे भी होते हैं। आज जो हम आपको बता रहे हैं ना, एक बहुत ही साधारण सा घरेलू नुस्खा है जिसे आप इजीली घर पे चेक कर सकते हैं। आप इसमें सिर्फ ओव्यूलेशन ही चेक नहीं कर सकते, इसके साथ ही अगर कंसीव हो गया है बेबी किसी लेडी का, किसी महिला का, तो प्रेगनेंसी के लिए जो कंफर्मेशन टेस्ट है वो भी आप कर सकते हैं। तो उसमें कैसे करना है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो जब भी महिला ओव्यूलेशन में होती है तो उसके वजाइना में से एक वाइट कलर का डिस्चार्ज निकलता है। हालांकि कुछ महिलाओं में से निकलता है, कुछ महिलाओं में से नहीं भी निकलता है, बट ये जो डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है ना, कुछ लेडीज़ के साथ तो क्या होता है कि ल्यूकेरिया की वजह से रैंडमली हर रोज़ या फिर कुछ दिन छोड़ के इस तरह से वाइट डिस्चार्ज निकलता रहता है। तो जो वाइट डिस्चार्ज है उससे हम अपने आप को सिग्निफाई नहीं कर सकते कि एक महिला जो है ओव्यूलेशन में है या नहीं। तो इससे बेटर तरीका क्या होता है कि जो हमारा यूट्रस होता है, हमारे जो गर्भाशय होता है, वो नीचे की तरफ आता है। कब आता है? महीने में दो बार। एक तो तब जब पीरियड्स आ रखे होते हैं, जब पीरियड्स होते हैं ना महिलाओं के, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तब क्या होता है, जो यूट्रस होता है वो बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाता है। दूसरा, यूट्रस नीचे तब आता है, जो गर्भाशय वो नीचे तब आता है जब महिला ओव्यूलेशन में होती है। इन दो केसेस में ही होता है। अब क्या करना है कि जब आपको चेक करना है कि आप ओव्यूलेशन में है या नहीं है, उसके लिए आप अपनी मिडल फिंगर का यूज़ करेंगे। मिडल फिंगर को आप वेजाइना के थ्रू इंसर्ट करेंगे, अंदर की तरफ पूरा फिंगर इंसर्ट होना चाहिए। जब आप इंसर्ट करते हैं तो आपको ना कुछ फील सा होगा, या तो आपको सॉफ्ट सा फील होगा या हार्ड सा होगा। देखिए, जब ओव्यूलेशन में है तो डेफिनेटली वो हार्ड फील होगा। जो हार्डनेस फील हो रही है ना, उसको आप अपना नोज़ का टिप को टच करके देखिए। अगर जिस तरह से आप उसको टच करेंगे, जो हार्डनेस फील हो रही है ना, ऐसा ही हार्डनेस फील आपको अपने वजाइना के अंदर फील होगा। तो इसका मतलब है कि, अच्छा हाँ, इसमें क्या ध्यान रखना है कि जितना पास में आप फील कर पाएंगे, देखिए पूरा फिंगर इंसर्ट करने के बाद आप यूट्रस फील करते हैं, नॉर्मल बात है। जैसे जैसे ओव्यूलेशन डेट पास में आती है, जिस दिन आप प्रॉपर ओव्यूलेशन में होती है महिला, उस दिन मात्र इतना सा फिंगर इंसर्ट करते ही आपको ओव्यूलेशन उसमें यूट्रस फील होने लग जाएगा। मतलब इतना सा फिंगर अंदर इंसर्ट करते ही वजाइना के आपको उतना नोज़ का जो टिप है उतना ऐसा हार्डनेस सा फील होने लग जाएगा। अगर ये हार्डनेस फील हो रही है, इसका मतलब आप ओव्यूलेशन में हैं। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई। अब दूसरी बात ये कि जो हमने मैं आपको बताया था कि प्रेगनेंसी पे आप कंफर्म कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे? अगर एक महीना हो गया है पीरियड्स, उसके बाद भी 5-6 दिन डिले हो गए हैं, पीरियड्स नहीं आए, चेक करना है कि प्रेगनेंसी है या नहीं, कंसीव किया है या नहीं, तो उसके लिए क्या करना है, सेम टेस्ट करेंगे हम इतना फिंगर अपना इंसर्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा, जब भी आप फिंगर इंसर्ट करते हैं उसको अच्छे से हैंड वॉश करके, वजाइना को भी नीट एंड क्लीन करके, उसके बाद ही फिंगर इंसर्ट कीजिएगा। अदरवाइज इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जब आप फिंगर इंसर्ट करते हैं, अगेन वही प्रोसेस रहेगा हमारा, इतना फिंगर इंसर्ट किया, अगर कंसीव हो गया है तो आप अपना लिप को टच करके देखिए, जो ये स्मूथनेस सा सॉफ्ट सा फील हो रहा है ना, ऐसा ही फील आपको वजाइना के अंदर होगा। अगर ऐसा फील ना होकर अगर नोज़ का टिप जैसा फील हो रहा है, इसका मतलब प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुआ है, बच्चा नहीं है, आपको अगेन पीरियड्स आने वाले हैं, या अगर पीरियड्स इतना टाइम नहीं आए हैं तो भी आपको उसके लिए मेडिसिन लेना चाहिए या अपनी बॉडी पे ध्यान रखना चाहिए। मतलब पीरियड्स आपके रेगुलर नहीं है, इस पे आपको पीरियड्स पे फोकस करने की ज़रूरत है, कंसीव नहीं किया है ये, इसको आप फेक प्रेगनेंसी भी कह सकते हैं। तो ये एक सबसे बेस्ट तरीका होता है जिससे आप ओव्यूलेशन भी घर पर चेक कर सकते हैं। जो महिलाएँ प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं, कंसीव नहीं कर पा रही हैं, उनको ओव्यूलेशन डेट का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। कुछ लोगों के क्या होता है, पीरियड्स की डेट है वो आगे पीछे भी हो जाती है, जो मिस हो जाती है, तो ये जो भी प्रॉब्लम होता है ना, इस सब में ओव्यूलेशन का मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। वो तभी होगा जब आपके पीरियड्स बैलेंस है। पीरियड्स को बैलेंस रखने के लिए अच्छा डाइट लीजिए, बाहर का जंक फूड बिल्कुल ही नहीं लेना है, अवॉइड करना है। और एक बात और ध्यान रखना है कि आप अपना जो BMI है, बॉडी मास इंडेक्स, अर्थात अगर मैं आपको साधारण शब्दों में कहूँ तो जो आपका वजन है उसको मेंटेन रखना है। अगर एक्सेस वेट हुआ, एक्स्ट्रा वेट ज़्यादा है, फैटी बॉडी है, तो भी कंसीव करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये नेचुरल तरीका था जिससे आप कंसीव कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं कि आपने कंसीव किया है या नहीं है, फिर आप ओव्यूलेशन में है या नहीं। इसके अलावा कोई भी स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न है, अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी परेशानी हो रही है, IVF में भी अगर फेल हो गया है, IVF भी नहीं हो पाया है, उससे भी कंसीव नहीं हो पाया है, तो आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं।
धन्यवाद दोस्तों, जय गो माता, वंदे मातरम।